फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप 12 वोल्ट के किसी भी चार्जर को घर पे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको इसके ए टू जेड फोल्ड के बारे में बताऊंगा, उन्हें आप अपने घर पे आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो मल्टीमीटर को हमने बजर वाले पॉइंट पर सेट कर लिया है। मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का जो एडेप्टर है या चार्जर बोल सकते हैं उसे मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ और इसके पूरे मदरबोर्ड को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हम इसे अच्छे तरीके से चेक कर सकें। तो मैंने यहाँ पे इसे बाहर निकाल लिया, देख पाऊँगे यहाँ पे। तो इस टाइम इसमें शॉर्टिंग है, तो मैं आपको ए टू जेड फॉल्ट के बारे में बताऊँगा। तो पहले फ्रेंड्स, आपको इसके पीसी बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है ताकि इसमें कोई भी जो डस्ट होती है वो जमी होती है, ज़्यादातर उसी से शॉर्टिंग होती है। तो आपको इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इसके सभी डायोड को चेक कर लेना है एक एक करके। डायोड की एक साइड में आपको वैल्यू शो करेगा और दूसरी साइड में आपको कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। तो अगर उसमें बीप साउंड आ रहा है तो उसका मतलब ये ख़राब है। उसके बाद में आपको कैपेसिटर को चेक कर लेना है। तो कैपेसिटर पर अगर बीप साउंड यहाँ पर शो करे तो उसका मतलब ये ख़राब है। देख पाऊँगा यहाँ पर इस पर बीप साउंड शो कर रहा है, मतलब इसमें शॉर्टिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कैपेसिटर ख़राब है, आपको सारी चीज़ों को चेक कर लेना है एक एक करके। तो इसमें मैंने यहाँ पर चेक किया तो इसमें जो इसकी ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी ट्रांजिस्टर यहाँ पर ख़राब है। तो आपको वही ट्रांजिस्टर निकाल के आपको दूसरे सर्किट से आपको ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा देनी है। तो ऐसा नहीं कि आपके मदरबोर्ड में भी यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर वो ख़राब हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जो इसका फ्यूज है उसे भी आपको चेक कर लेना है। मैं आपको फ्यूज को भी चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो फ्यूज है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम इसमें जो शॉर्टिंग है वो यहाँ पर कैपेसिटर की वजह से और जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगी उसकी वजह से। तो हम इन दोनों को निकाल के अगर चेंज कर देंगे तो हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें फ्यूज ख़राब है, मैं आपको उसे भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो सारे कंपोनेंट के साथ हमें फ्यूज को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्यूज नहीं है तो आप एक जम्पर वायर लेके जम्पर वायर को फ्यूज के दोनों पॉइंट पर लगा के आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर ख़राब है, तो कैपेसिटर को आपको चेंज कर देना है। उसके बाद में जो आपका सर्किट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसमें एक ट्रांजिस्टर भी ख़राब है तो उसे भी आपको चेक कर लेना है। तो इस तरीके से आप किसी भी ख़राब चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।